हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि जो साइंस है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर का प्रयोग करते हुए बायोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की उप शाखाएँ, यानी कि साइंस की जो ब्रांचेज है, जो बायोलॉजी की विभिन्न स्टडीज़ की जो ब्रांचेज हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का, चाहे वे जीवित हों चाहे वे मृत हों, दोनों का ही अध्ययन जूलॉजी में हम लोग करते हैं। पंक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी, पंछियों का है ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का अध्ययन है जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी, जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के संपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जो जनसंख्या से संबंधित स्टडी है उसको कहते हैं जनांकिकी। क्या कहते हैं? जनांकिकी। किससे संबंधित है? जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से। तो यहाँ हमें पता चला कि फूलों के अध्ययन का हो गया एंथोलॉजी, कीटों के अध्ययन का हो गया एंटोमोलॉजी, और जीवाश्मों का हो गया पेलियोबायोलॉजी, पंक्षियों का हो गया ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, यानी विभिन्न जो कल्चर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोलॉजी। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। जो जैविक जगत में जो भी काम हो रहा है उसको अगर हम लोग अप्लाई करें मैकेनिकल वर्ड में तो उसको कहा जाएगा बायोनिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का, जैसे कि पेलियोबायोलॉजी में जो जीवित के अलावा जो मृत जीव जंतु हैं उसका अध्ययन, वैसे ही पेलियोबॉटनी में जो मृत हैं, जो पुराने ज़माने के जो पौधे रहे होंगे उनका जो फॉसिल हमें मिलता है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किस में करते हैं? एपिकल्चर में। एपिस रिलेटेड है मधुमक्खी से, तो एपिकल्चर हो गया, और जो सेरीकल्चर है वो हो जाएगा रेशम कीट का पालन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये मैचिंग के प्रश्न यहाँ पे एक जगह हैं। फूलों की खेती हो गया फूलों फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ध्यान दीजिएगा, फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर, और फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। सब्जियों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती है ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, और फसलों की खेती जो ओवरऑल जो सारी प्रकार की जो फसलें हैं उसकी जो खेती है उसको एग्रोनॉमी बोलेंगे, और सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर बोलेंगे। इसके अलावा जब फलों की खेती की बात होगी तो बोला जाएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों की खेती। पिसीकल्चर मछली पालन, मत्स्य पालन यानी कि, हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी है शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का संकलन हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन, भाषा की संरचना विकास तथा इतिहास का अध्ययन है फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं एवं चित्रकलाओं का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाता है, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं एवं चित्रकलाओं का अध्ययन। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है क्या? अंगूर, विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वो कौन सा होता है? तो वह है सामान हमारा अर्थवर्म, यानी कि जो केचुआ होता है ना वो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेरंटोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों जेरंटोलॉजी जो है वो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। वृद्धों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, उसको समझने के लिए उसका निदान करने के लिए जेरंटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स का अध्ययन है आनुवंशिकता और विचरण का, आनुवंशिकता और विचरण संबंधित है जेनेटिक्स से। पैडोलॉजी का संबंध है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से, मिट्टी से क्या संबंधित है? पैडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी रिलेटेड टू अस्थियों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी रिलेटेड टू सर्पों का अध्ययन। फिलाटेलिस्ट किसे कहते हैं? जो डाक टिकट जमा करता है, फिलाटेलिस्ट रिलेटेड टू डाक टिकट जमा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से क्या बेमेल है? तो यहाँ पर बेमेल है हमारा साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है? मन का अध्ययन। इसके अलावा जो फिजियोलॉजी है, जो शरीर की सारी बनावट होती है उसको स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में।
पैथोलॉजी कोई चीज़ का रोग हो गया तो उससे संबंधित उसकी स्टडी करना, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का अध्ययन, तो इसमें से अलग क्या हो गया, साइकोलॉजी, क्योंकि वो मन का अध्ययन है, और ये बायोलॉजी से अलग भी है, एक अलग प्रकार का एक अपना सब्जेक्ट है ये। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मृदा विहीन पादप संवर्धन है, जो कि पानी में पौधे उगाए जाते हैं यहाँ पर, तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, पानी का प्रयोग करके ना कि मिट्टी का प्रयोग करके। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, जो रेडिएशन होता है उसका प्रयोग करके गुर्दे की पथरी को अगर हम तोड़ते हैं तो उस इलाज को कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैव विकास से संबंधित चैप्टर्स हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई विभिन्न साइंटिस्ट द्वारा, तो उससे संबंधित यहाँ पे तथ्य संकलित किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व, तो लगभग 2 वर्ष पूर्व माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, तो नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव माना जाता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, यानी कि जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, तो किस पे आधारित है, तो वो आधारित है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन पे। ओवर प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संतान उत्पन्न करने की विभिन्न जंतुओं में प्रवृत्ति होती है, तो क्या होता है ज़्यादा लोग हो जाते हैं, रिसोर्सेज के लिए फिर स्ट्रगल होता है, इस रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल यानी कि वो जिंदा रहने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, इसको बोला गया स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। एंड वेरिएशन, वेरिएशन मतलब उत्परिवर्तन, तो उससे बचने के लिए अपने आप में कुछ सुधार लाना चाहता है, हर व्यक्ति अगर एक जैसा होगा तो कंपटीशन और ज़्यादा कठिन होता जाएगा, तो हर व्यक्ति को अपने में कुछ सुधार लाना होगा जिससे वो अगले से कुछ बेहतर हो सके। इस तरह करके जो जो अपने आप को एकदम बेस्ट रूप से ढाल पाएगा उस स्थिति के लिए, तो वही वहाँ पर स्ट्रगल में फाइनल रूप से जीत पाएगा, तो इसी को बोला गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि पहले सबसे पहले होगा ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद स्ट्रगल होगा एक्सिस्टेंस के लिए, उसके बाद कुछ जीवों में आएंगे वेरिएशन, और जिसमें आया सबसे अच्छा वेरिएशन, सबसे अनुकूल वेरिएशन, तो वो हो जाएगा फिटेस्ट और उसी का होगा सर्वाइवल। तो यही थी ओवरऑल डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने, ठीक है, इसी को विकासवाद कहते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने, सबसे पहले लैमार्क ने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद डार्विन आए थे। विकास के उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन थ्योरी थी वो किसने दी थी, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यानी कि वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी दी थी बीडल एंड टैटम ने, बीडल और टैटम ने क्या दिया था, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपेरॉन अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा जैकॉब और मोनार्ड ने दिया था, मोनॉड और जैकॉब ने दिया था ओपेरॉन अवधारणा। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है यही डेवलपमेंट का मेन रीजन बनता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी कि माना जाता है कि जो सांप होते थे उसमें एक टाइम था कि उसमें पैर होते थे लेकिन उसने उसका यूज नहीं किया, ऐसा करते करते उसके पैर जो गायब होते गए, धीरे धीरे गायब होते होते आखिर में एकदम समाप्त हो गए, तो इससे बताया जाता है कि जो अंगों का यूज करोगे तो वो और मजबूत होते जाएंगे और नहीं करोगे तो वो अवशेषी अंग के रूप में रह जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में वह जिसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है यानी कि एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन सी बिल्ली है जो हो गई है भारत में विलुप्त, तो आंसर है चीता, चीता जो है वो अभी लगभग 50-60 साल पहले विलुप्त माना गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन, क्रोमैग्नॉन मानव, क्रोमैग्नॉन मानव जो है वो माना गया है, इसका जो अवशेष था वो पाया गया था क्रोमैग्नॉन नामक गुफा में, तो तभी से इसका नाम क्रोमैग्नॉन नामक गुफा के आधार पर इसका नाम ये पड़ गया था। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो जुरासिक पीरियड का एक सर्व पुरातन पक्षी है, इसको ये भी माना जाता है कि ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें जो दोनों के लक्षण पाए जाते थे उसमें इसमें जीव सॉरी इसमें चोंच पाई जाती थी पंछी की तरह और दांत पाए जाते थे रेप्टाइल की तरह, इसीलिए इसको दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। देखिए यहाँ पे आ भी गया है प्रश्न, आर्कियोप्टेरिस योजक कड़ी है यानी कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच में, सरीसृप व पक्षी के बीच में। मैमथ पूर्वज है किसका, हाथी का, मैमथ हाथी का पूर्वज है। डायनासोर कब के थे, डायनासोर का पीरियड था मीसोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा, इसमें इन लोगों ने राज किया हर जगह, डायनासोर रहे मीसोजोइक युग में। सेम प्रश्न, जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है, तो आंसर है सेलामेंडर अजगर और कंगारू, सेलामेंडर पहले बना उसके बाद बना कंगारू, सॉरी सेलामेंडर उसके बाद बना अजगर उसके बाद बना कंगारू।
चलिए इसको हम लोग अभी कर लेते हैं आगे। चलिए, अच्छा, वर्गीकी। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना, वो है कीटों की। कीट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट होता है वो होता है कि जो आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा क्लास के अंतर्गत एक वर्ग होता है। नेक्स्ट है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो दोनों ही कथन सही है और जो आर है उसकी सही व्याख्या है, क्योंकि अमीबा भी एक एक कोशिकीय जीव है, तो ये भी अन्य एक कोशिकीय जीवों की तरह लैंगिक विधि का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अलैंगिक विधि का प्रयोग करते हुए अपना प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म रेधुर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रहते हैं। इसमें आते हैं हमारे जो स्तनधारी हैं ये वाले जंतु, और जो छोटे जीव होते हैं जैसे मछली है, उसको किसी भी टेम्परेचर में आप डाल दोगे तो उसी टेम्परेचर के साथ वो सेट हो जाएगी और उसका जो ब्लड का टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो सेम नहीं रहता, हमारे जैसे सेम नहीं रहता, वो एटमोसफियर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सही कथन है, गोलाक्रम में कोई प्रसंस्करण नहीं होता है। अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थि में मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो यही दोनों सही कथन है। नेक्स्ट है, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में जो मछली नहीं है। तो दोस्तों, जो स्टार फिश होती है ना, वो रियल फिश नहीं होती है, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का एक जीव होता है। जिसके अलावा जो सॉ फिश है, पाइप फिश है, गिटार फिश है, ये सब रियल फिश है, यानी कि ट्रू फिश है। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली है। तो यहाँ पर जो कैट फिश है दोस्तों, वो असली मछली है। इसके अलावा जो रजत फिश, रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश, जेली फिश, ये सब असली मछलियाँ नहीं हैं। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा में वह जो वास्तविक रूप से मछली है। तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा जो है वो रियल फिश है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है? व्हेल मछली होती है, और व्हेल मछली जो है वो वास्तव में मछली है नहीं, वो क्योंकि मैमल वर्ग का एक प्राणी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, व्हेल में से स्तनपाई कौन है? तो जो व्हेल है वही दोस्तों स्तनपाई है। जो ऑक्टोपस है वो मोलस्का होता है, शार्क एक मैमल नहीं है, शार्क फिश है, और जो स्क्विड है वो भी मोलस्का होता है। फिन बैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, हम बैक वेल प्रजातियों में से दांत वाली वेलों में जो विशालतम है वो है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल दांत वाली वेलों में सबसे बड़ी है। एकिडना, कंगारू, सही तथा वेल में वह जो अंडे देता है किंतु सीधे बच्चे नहीं देता। तो यहाँ पे इसका आंसर है एकिडना। एकिडना अंडे देता है और बच्चे नहीं देता। उड़ने वाला स्तनपाई कौन है? तो चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है? तो दोस्तों, समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वो दोनों स्तनधारी होते हैं, और जो समुद्री घोड़ा है वो हम जान चुके हैं कि वो एक प्रकार की फिश है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन एक प्रकार के मैमल है, स्तनी वर्ग में इन्हें रखा जाता है। सील क्या होता है? सील भी एक प्रकार का मैमल है, यानी कि स्तनपाई जीव है। एम्फीबिया बताता है क्या? कि वो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकता है। वो स्पेसिफिक जंतु जो भी एम्फीबिया है वो रह सकता है। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों से अलग करता है, तो वह है जानने की इच्छा प्रकट करना। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, औरंगउटान में से कपी नहीं है। कपी नहीं है दोस्तों, जो लंगूर है वो कपी नहीं है इन सब में से। मानव सदस्य लघुत्तम कपी है, सबसे छोटा जो कपी है मानव जैसा दिखने वाला वह है गिब्बन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नील गाय किस में आती है? दोस्तों, नील गाय जो है वो हिरण कुल में आती है। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस एक प्रकार का मोलस्क है। सबसे बड़ा आकशेरुकी कौन है? तो स्क्विड। स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी जीव है। केकड़ा, वर्थी, बिच्छू और मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। तो केकड़ा, केकड़ा अन्य जीवों का नहीं है, और बाकी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न एक प्रकार की कुक्कुट यानी की जो मुर्गी होती है उसमें का एक प्रजाति है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? ये लोग मकड़ी वंश के होते हैं। टिक और माइट मकड़ी वंश के होते हैं। जुगनू क्या होता है? जुगनू एक प्रकार का इंसेक्ट यानी कि कीट होता है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में वह जो कीट नहीं है, तो कीट मकड़ी नहीं है। दोस्तों, आप लोग सोचोगे मकड़ी कैसे नहीं है कीट? एक्चुअली जो कीट होता है उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग यानी कि 3 जोड़ी पाद होने चाहिए, और मकड़ी के जो होते हैं वो 8 पैर होते हैं, तो इस केस में नहीं है। इसके अलावा 2 जोड़ी विंग होने चाहिए। वो भले ही वो कीट यूज़ ना करता हो, ना उड़ पाता हो, लेकिन उसके 2 जोड़ी विंग चाहे वो अवशेष ही रूप में ही रहें पर वो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मकड़ी है वो नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए यही सेम प्रश्न आ गया। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? 8 टांगे पाई जाती हैं। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट क्या नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू, इस तरह के जो जीव होते हैं वो नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के दाने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के दाने बड़े होते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 और 5 सही है, यानी कि जो केवल मादा है वो रक्त चूसती है और इसके अलावा जो नर की अपेक्षा जो मादा है उसके दाने बड़े होते हैं तभी वह रक्त चूस पाती है। मिलॉक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमेस्टिक्स में सेवा प्राणी जो अपनी आंत में जल संग्रह कर लेता है। तो जो ऊंट है चूंकि वो रेगिस्तानी जगह पर रहता है, वहाँ पर पानी का थोड़ा अभाव होता है, तो वो यहाँ पर वो पानी का अपना स्टोर कर लेता है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ की समांग क्या है? तो कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथियाँ हैं वो इसकी होमोलॉगस है। जो सर्पों की मतलब विष ग्रंथियाँ हैं, जो पॉइजनस ग्लैंड है सर्प की, वो सिमिलर है हमारे कशेरुकी प्राणियों की सलाइवरी ग्लैंड के। नेक्स्ट है, सांप सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं ये जंबिका दंत के, जंबिका दंत भी इसे कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं। शैल पर उगने वाले यानी चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाएंगे शैलोद्भिद। पैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी यानी कि कीटों को खाने वाला पौधा कौन है? तो घटपर्णी है। खाता क्यों है ये कीट कीड़ा? ये इसलिए खाता है क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी होती है, तो कीड़ों से इसको मिल जाता है नाइट्रोजन, इसके कारण ये लोग खा लेते हैं। घटपर्णी के स्तंभ पत्ता अनुपर्ण पर्ण व्रंत में वह जो घट में रूपांतरित होता है, घट यानी जो घड़ा है जिसमें जो स्टोर करता है कीटों को, जो पकड़ लेता है, तो वो जो पत्ता होता है वो घट में चेंज हो जाता है। ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है? किण्वन होता है। केजीन होती है, दूध की प्रोटीन होती है। एलोवेरा एक प्रकार का आवृत बीजी पौधा है। और जो घटपर्णी है वो जो एनर्जी प्राप्त करता है वो तो प्रकाश संश्लेषण से ही करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कीट को पकड़ के वो एनर्जी पाता है, वो बस नाइट्रोजन की पूर्ति कीट को पकड़ के करता है, बाकी उसकी सारी एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से ही होती है। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती जीव कहाँ आपाती जीव पौधा पाया जाता है? तो मेघालय में ये पाया जाता है, निपेंथिस खासियाना यानी कि घटपर्णी, जो कि पौधों को, जो कि ऐसा पौधा है जो कीटों को खाता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तो तना है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। प्रकंद यानी कि तना जो है उसी से हल्दी हमें प्राप्त होती है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रख सकते हैं तो है ड्रूप। लीची एक प्रकार का ड्रूप है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भिन्नकाल पक्वता। भिन्नकाल पक्वता, पुमंग और जायांग यानी कि जो फीमेल ऑर्गेन है और जो मेल ऑर्गेन है वो अलग अलग समय पर डेवलप हो रहा है, तो उसको कहा जाता है भिन्नकाल पक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद, अधो भूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़ यानी कि ट्रांसफॉर्म जो होती है, ऐसी प्रकार की जड़ कौन सी है? तो शकरकंद है। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से जिसका संग्रह है अंग तना नहीं है तो शकरकंद, क्योंकि ये जड़ में संग्रह हो रहा है, इसका सारा फूड जो है वो जड़ में स्टोर हो रहा है। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में वह जो तना है, तो जो अदरक है वो एक प्रकार का तना है, तो प्रकंद यानी कि तना है। अदरक स्कंद स्तंभ कंद यानी कि तना है लेकिन स्तंभ वाला कंद है ये, तो आलू हो जाएगा। शल्क कंद, ये सारे प्रकार के पौधे एक प्रकार के तने से ही डेवलप हुए हैं लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है सब में। शल्क यानी कि जो एक एक लेयरिंग लेयरिंग होती है ना, तो वो जो आलू जो लहसुन और प्याज वगैरह है तो शलकंद में आते हैं। घनकंद, जिमीकंद और सूरन को घनकंद कहते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ कौन है? रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू है एक क्या? कंद है। आलू है एक कंद। जैव उर्वरक प्रवाल मूल लाइकेन व कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक सहचर है। कवक मूल उपयोगी प्रकारक सहचर है यानी कि सिम्बायोसिस का एक्टिविटी शो करता है कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रकार का सिम्बायोटिक एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट है, मटर पौधा कैसा है? मटर एक प्रकार का शाक है। तना आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। तना काट का प्रयोग करते हैं गन्ने को उगाने के लिए। लौंग क्या होती है? लौंग एक प्रकार की बंद कलियां होती हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी में से वह जो पुष्प कली होती है, तो आंसर हो जाएगा लौंग। लौंग प्राप्त किससे होती है? फिर वही शुष्क पुष्प कली है एक प्रकार की, ये सुमेलित हैं। अदरक, राइजोम,
केसर पुष्प की वर्तिका, केसर जो होता है वो पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है, अफीम अफीम की डूरी से प्राप्त होता है, और जो सन होता है वो तना से प्राप्त होता है। सन पौधे के तने से, अफीम अफीम की डूरी से, केसर है पुष्प की वर्तिका से, और अदरक है राइजोम से। केसर क्या होता है? केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज में आने वाले भागों का। फूल का वह भाग जिससे कि बीज बनता है उसका एक सूखा मिक्सचर होता है केसर। अदरक एक प्रकार का प्रकंद हो गया, प्याज हो गया मांसल पर्ण, आलू रूपांतरित तना, नारियल भ्रूणपोष। नारियल भ्रूणपोष, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें खाया जाने वाला भाग क्या है इस पौधे का, तो अदरक में खाया जाता है प्रकंद, प्याज में मांसल पर्ण, आलू में रूपांतरित तना, नारियल में भ्रूणपोष। तना बीज जड़ तथा फल में से आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है, तो आंसर हो जाएगा तना। आलू मूली भिंडी शकरकंद में से फल क्या है, तो भिंडी जो है वो एक प्रकार का फल है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय टहनी जो होती है वही पादप कली होती है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकर्स सुबर नामक पेड़ से, क्वैकर्स सुबर नामक एक पेड़ से कॉर्क हमें प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलक्षणिक ग्रंथ गंध जो है, इसकी जो स्मेल है वो किससे प्राप्त होती है, तो सल्फर का जो उसमें यौगिक है उसके कारण प्राप्त होती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से निकलता है क्या, सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड निकलता है जिसके कारण प्याज काटने पर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प है, क्योंकि पुष्प में ही मेल और फीमेल इसके ऑर्गन होते हैं जिससे आगे इनका लाइफ साइकिल बढ़ता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, यही कैप्सेइसिन उपस्थित होता है। रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है, तो वो है प्यूपा। प्यूपल स्टेज में वो अपनी सलाइवा से कुछ एक्टिविटी सिक्रेट करता है जिससे बाद में रेशम बन जाता है ड्राई होने के बाद। रेशम की जिस पर पनपता है वो तो कौन सा पौधा होता है, शहतूत की पत्तियां होती हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है दोस्तों किससे, आवृत बीजी एक पादप होता है उससे प्राप्त होती है जिसको कहते हैं सिंकोना। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो सिंकोना की छाल जिसका भी हम लोगों ने चर्चा किया, तो सिंकोना एक प्रकार का आवृत बीजी पौधा है जिससे कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवाई कुनैन प्राप्त होती है। मलेरिया निदान के लिए आर्टिथर नामक औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, बीजीय पादप भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया यानी कि रिप्लेस किया है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहा जाता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन दवाई आने के बाद से जो सिंकोना से प्राप्त होने वाला था मटेरियल उससे को प्रयोग किया जाना कम हो गया है। लाइकेन प्रोटोजोआ साइनोजीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसके डूबने से मृत्यु का पता लगने में महत्व है, यानी कोई व्यक्ति डूब गया है, डूब के मरा है या फिर मरने के बाद डूबा है, तो इसको जानना हो तो जो डायटम है उससे हम उसकी स्टडी करके जान सकते हैं। शहतूत का फल है सोरोसिस, शहतूत एक प्रकार का सोरोसिस है। सन पटसन जूट व कपास में से वह जो पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, तो जो कपास है वो तने का उत्पाद नहीं है क्योंकि कपास उसके हमें फ्लावर से प्राप्त होता है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। बौना गेहूं संकर मक्का ट्रिट्रिकेल तथा सोयाबीन में वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया, तो दोस्तों जो ट्रिट्रिकेल है, ट्रिट्रिकेल वो प्रकृति में नहीं पाया था, इसको ह्यूमन ने इंटरफेयर करके बनाया है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है, इन किस्मों की विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता है कि इसके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, इरुसिक एसिड जो है वो काफ़ी कम होता है, यही इसकी खासियत है कैनोला ऑयल की। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा था अल्फांसो, अल्फांसो जो है उसका हमारा निर्यात हमारा प्रभावित हो रहा था क्योंकि यहाँ पर स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए दोस्तों फिर इसको हम अभी यही ख़त्म करते हैं, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और करना है लाइक। थैंक यू सो मच।